आपके घर में, आपके ऑफिस में या फिर आपकी कंपनी में। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार एंट्री करता है तो उसका स्वागत करते हैं गेट पर पड़े हुए पायदान। आप पायदान कह लीजिए, डोरमैट कह लीजिए या फिर एंट्री मैट भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे बहुत ही लाइटली ले लेते हैं लेकिन आज के समय में ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। पहले के समय में क्या होता था कि भाई घर के बाहर कुछ भी डाल दिया, अगर पैर गंदे हैं कोई अंदर आ रहा है तो भाई उसकी साफ सफाई हो जाए। कुछ जगह आपने देखा था कि जो जूट वाले बोरे होते थे गेट के बाहर वो डाल दिए, या फिर कुछ पुराना कपड़ा ही वगैरह वो उस तरह का डाल दिया। बाद में कुछ कॉयर के बुने हुए मैट्स भी आने लगे, वो पड़ने लगे। लेकिन आज के समय में ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है, चाहे वास्तु के हिसाब से देख लो, चाहे भैया साफ सफाई के हिसाब से, या फिर एंट्री करते ही आपके फर्स्ट लुक के हिसाब से देख लो, पायदान बहुत इम्पोर्टेंट है। बात तो सही है जब भी कोई आपके यहाँ एंट्री करता है तो पायदान उसके लुक को तो एनहेंस करते ही करते हैं, उसके अलावा एक फर्स्ट इमेज बन जाती है कोई भी जब आपके यहाँ एंट्री करता है कि अगर अच्छी क्वालिटी के, अच्छे साइज के पायदान पड़े हुए हैं तो फिर अंदर की भी पॉजिटिव इमेज दिमाग में बनने लगती है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मैटर है, हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपने खुद महसूस किया होगा कि आप किसी अच्छे ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, होटल में या फिर किसी अच्छे घर पर ही जाते हैं तो आपके मन में वहाँ रहने वाले लोगों के प्रति एक अपने आप रेस्पेक्ट का भाव आने लगता होगा। बात की जाए कि भाई आखिर पायदान डाले ही क्यों जाते हैं? आगे बोलना नहीं पता। सबसे बड़ा रीजन है कि भाई घर के अंदर साफ सफाई बनी रहे। कोई व्यक्ति जब बाहर से आ रहा है उसके जूतों के साथ गंदगी लगी हुई आ रही है तो वो उनको लेके अंदर ना चला आए। आप किसी से ये भी नहीं कह सकते भैया शूज बाहर उतार के आना। बहुत सारे ऑफिस में या फिर शॉप में या रेस्टोरेंट में ऐसी कंडीशन होती है आप शूज किसी के उतरवा नहीं सकते। एक तो वो कहने में बहुत भद्दा लगेगा और दूसरा अगर आपने ऐसा किसी से करवा दिया तो आगे के लिए वो आपके यहाँ आएगा भी नहीं। इसीलिए पैरदान का चुनाव, उसके कलर का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब सवाल आ जाता है कि कौन सी जगह कौन से पैरदान डालने चाहिए। दरअसल अलग अलग एरिया के हिसाब से पायदान भी अलग अलग यूज किए जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई शोरूम, कोई शॉप, कोई रेस्टोरेंट बिल्कुल सड़क के साइड से है तो वहाँ पे एंट्री के समय आपको दो पायदान यूज करने चाहिए। पहला तो आपको यूज करना चाहिए जो कि हार्ड पायदान हो, जहाँ पर के जो स्टार्टिंग में व्यक्ति एंट्री करे तो उसके शूज अच्छे से क्लीन हो जाए। वहाँ के लिए आप ब्रशल वाला पायदान यूज कर सकते हैं या फिर हैवी रबर मैट वाला पायदान यूज कर सकते हैं। और डोर के जैसे ही वो व्यक्ति अंदर आता है या पास आता है वहाँ पर आपको सॉफ्ट रबर वाला पायदान यूज करना चाहिए। इससे क्या रहता है कि भाई हार्ड गंदगी बाहर निकल गई, उसके बाद जो छोटी मोटी धूल मिट्टी थी वो उस पायदान में आ गई और अंदर आदमी बिल्कुल क्लीनिंग से आपके पास आ गया। तू समझा? अब घरों के लिए बात की जाए तो भाई घरों में दो ना सही तो कम से कम एक पायदान तो जरूर डालना चाहिए। और पायदान डालते समय भी एक चीज का जरूर ध्यान रखें, पता चला कि आप मार्केट गए और कोई भी पायदान उसने दे दिया आप उठा लाए, ये मैडम एक रेट लग जाएगा सिर्फ आपके लिए 200 रुपए। ऐसा ना करें भाई, देखें कि हमारी एंट्री किस साइज की है। अगर आप अच्छी लंबाई चौड़ाई का पायदान लेके चलते हैं तो कोई व्यक्ति आपके यहाँ जब एंट्री करेगा ना तो उसके दोनों पैर पायदान पर आ जाएं, जिससे कि दोनों पैर की क्लीनिंग हो जाए। पता चला आपने छोटा सा पायदान ले लिया, किसी ने एक पैर रखा, अगला पैर उठा के उसने सीधा आपके घर के अंदर आ गई, फिर से गंदगी भैया। घर पर बाहर के एरिया के लिए आप ज़्यादातर यूज कीजिए तो रबर वाले पायदान आते हैं वो, और अगर कोई एरिया ढका हुआ है वहाँ पर आप जो कॉयर से बने हुए पायदान है वो भी मजे से यूज कर सकते हैं। बाहर के लिए ऐसे पायदान को यूज करने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए जिनमें कि पानी भर जाता है, पानी भर जाएगा, जैसे कॉटन वाले पायदान है या फिर माइक्रोफाइबर वाले पायदान है। इनको खुली जगह में डालने से बचना चाहिए क्योंकि बाहर की धूल मिट्टी और पानी जब बहुत ज़्यादा उसमें भर जाएगा फिर वो एकदम कीचड़ जैसा बन जाएगा। उसके अलावा जैसे आप बाथरूम वगैरह से निकलते हैं वहाँ पर आप रबर के स्नैक मैट्स आते हैं,
उनको जरूर यूज करके चलें। जैसे कोई व्यक्ति बाथरूम से बाहर आता है तो भाई वहाँ का पानी वहीं सूख जाए, उसके बाद आप कॉटन वाले भी पायदान डाल सकते हैं ताकि उसके पैर अच्छी तरह से सूख जाएं, पूरे घर में पैरों के निशान नहीं बनेंगे और वो देखने में भी अच्छा रहता है, किसी के फिसलने का भी डर नहीं रहता। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपने बेड के आसपास पायदान डाल के चल रहे हैं तो वहां पर आप माइक्रोफाइबर के बने हुए या फिर कॉटन के बने हुए पायदान को यूज कर सकते हैं। पैर अच्छे से साफ हो जाएंगे, आपकी बेडशीट भी क्लीन रहेगी और आपका रूम तो देखने में और ज्यादा अच्छा लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा पायदान खरीदते समय आप एक चीज का विशेष ध्यान रख के चलें कि भाई आप जो भी पायदान लेके चल रहे हैं तो उसके नीचे रबर की ग्रिपिंग अच्छी है या नहीं। पता चला कि पायदान पे पैर रखा और पायदान समेत ही पैर फिसल गया। इसके अलावा पायदान को खरीदते समय उसकी डिजाइनिंग और उसके कलर का भी विशेष ध्यान रख के चलिए, क्योंकि अगर आपने डिजाइनिंग बहुत ज्यादा ऑड ले ली, पता चले कि है आपका कॉमर्शियल टाइप का एरिया और आपने उसकी डिजाइन ले ली बच्चों के रूम के बाहर वाले पायदान जैसी, वो देखने में बहुत ज्यादा ऑड लगेगा। उसके अलावा अपनी वर्किंग के हिसाब से पायदान का कलर भी डिसाइड करके चलिए, क्योंकि जो सिंपल सोबर पायदान होते हैं वो ऑफिसेस के बाहर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसके अलावा जो कलरफुल पायदान है वो भाई घर में रूम में उस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो बच्चों के रूम के लिए पायदान भी अवेलेबल हैं मार्केट में, आप बहुत आसानी से उनको परचेज करके चल सकते हैं। उसके अलावा भाइयों, जब आप अपने घर पर, अपनी शॉप पर, अपने रेस्टोरेंट में पायदान डाल के चल रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा पायदान की क्लीनिंग का, क्योंकि जब पायदान आपके अंदर का पूरे एरिया की क्लीनिंग करके चल रहा है तो आपको डेली पायदान की क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। भाई उसको तो बस उठाया और उसको झाड़ दिया और फिर से डाल दिया। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप अच्छी क्वालिटी के पायदान देख रहे हैं अलग अलग एरिया के लिए, तो हमने कई सारे अच्छी क्वालिटी के पायदान का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर आप आसानी से देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आउटडोर के लिए कौन से पायदान रखे जाएं, इंडोर के लिए कौन से रखे जाएं, बाथरूम के बाहर के लिए कौन से रखे जाएं। आप वहां से देखकर चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए और आपको लगता है कि नहीं मेरे आसपास के मार्केट में सही रेट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी आसानी से परचेज कर सकते हैं।